चलिए अब इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे गुलमर्ग की, क्योंकि गुलमर्ग में लगातार टूरिस्ट का आना जाना जो है वो लगातार बना हुआ है। टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है वो लगातार काम कर रहा है कि किस तरह से इस कोरोना जैसे हालात में भी ज्यादा से ज्यादा पर्यटकों को जो है यहाँ पर एक तरह से लुभाया जा सके, और जितनी भी गतिविधियां जो है यहाँ पर होती है, अगर विंटर स्पोर्ट्स की बात करें या जितनी भी विंटर एक्टिविटीज यहाँ पर की जाती है वो जो है जिस तरह से एक यहाँ पर आकर्षण का केंद्र जो है वो बनी रहती है, जो भी टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं तो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि ये तमाम कार्यक्रम जो है यहाँ पर किए जा सके। लेकिन वहीं पर कल की बात करें और आज सुबह सवेरे की जिस तरह से अगर बात करें तो गुलमर्ग में फ्रेश स्नोफॉल जो है वो देखने को मिली है, और जो भी पर्यटक यहाँ पर आ रहे थे उन्होंने पूरी तरह से यहाँ पर जो है इस मौसम का लुत्फ उठाया है, क्योंकि मौसम की अगर बात करें तो एक प्लीजेंट वेदर जो है यहाँ पर बना हुआ था, और इस साफ मौसम में जहाँ पर जो है यहाँ पर थोड़ा थोड़ा यहाँ करके जो है यहाँ पर स्नोफॉल भी देखने को मिल रहा था। इस बीच टूरिस्ट की अगर बात करते हैं तो वो काफी ज्यादा यहाँ पर खुश नजर आए, और एक तरह से ये मैसेज जो है वो भी देते हुए नजर आए हैं कि जो लोग अभी तक कश्मीर नहीं आए हैं, गुलमर्ग नहीं आए हैं, वो यहाँ पर आकर जरूर एक बार यहाँ का दौरा करें और यहाँ की खूबसूरती का नजारा जो है वो जरूर लें। और वहीं पर अगर आज की बात करें तो क्या खूबसूरत हाल है मौसम के लिहाज से, जो है क्या कुछ वहां पर जो है मौसम बना हुआ है, इसी पर चलिए तमाम जानकारी लेते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता आदिल डार जुड़ चुके हैं। आदिल, हमें बताइए गुलमर्ग की अगर बात करें तो किस तरह से टूरिस्ट जो है वो वहां पर मौसम का नजारा लेते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि फ्रेश स्नोफॉल जो है वो वहां पर देखी गई है, उसके बाद अब किस तरह का माहौल वहां पर बना हुआ है? बिल्कुल ठीक है, मैं आपको बता दूं जिस तरह से मात्र में मौसम आते कल पेशगोई की थी कि वादी कश्मीर में जो पहाड़ी इलाकों में जो है हल्की बर्फबारी हो, तो कल शायद मुकाम गुलमर्ग में जो है हल्की बर्फबारी हुई, तो इसी के चलते जो है सयाह जो वहां पर थे वो इस बर्फबारी का खूब आनंद लेकर नाजर देख सकते किस तरह से सयाह जो बाहर से यहाँ आए तो किस तरह से इस बर्फबारी का खूब आनंद ले रहे हैं, और जमीन हमारे साथ बात करते हुए जो बाकी सयाह है या जो उनके दोस्त रिश्तेदार वगैरह उनको भी वादी आने की दावत थी, उनको भी वादी आने की दावत थी ताकि वो इस प्लीजेंट वेदर का जो है अच्छे खासे से मजा ले। क्योंकि मैं आपको बता दूं चूंकि कोविड की वजह से जो है अब जो सयाह थे धीरे धीरे यही नजर आने लगे, क्योंकि कम सयाह जो है बुकिंग जो हो रही है वो कम होती दिख रही है। हमारी सुबह एक होटल ओनर से बात हुई थी तो फोन पर मैंने बता दिया कि 20 से 30% तक जो बुकिंग है वो अब धीरे धीरे कैंसिल होने लगे हैं, क्योंकि कोविड की वजह से जो है अब वो घरों में ही रहना पसंद करते हैं। क्योंकि हम उम्मीद करेंगे कि महकमा सयात और यहाँ की इंतजाम इस तरह के इंतजाम करें जिस तरीके से जो सयात वो कहीं ना कहीं जो है मुतासर ना हो सके, क्योंकि बाजार तक तो जिस तरह से सब डिटिंग गुलमर्ग में पहले यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन मुतरक हुई थी, क्योंकि आपको पता है कि गुलमर्ग में 70 के करीब ऐसे बच्चे जो पास जाए थे उसके बाद यहाँ पर जो है ऐसे इंतजाम किया गया जो शायद मुकाम गुलमर्ग का नेशनल हाईवे कुंसर में है उन बाजार तक तो वहां पर सयाह को जो है कोविड टेस्ट किया जाता है, उन्हें जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है वो चेक किए जाते हैं, उसके बाद ही शायद मुकामत की तरफ इजाजत दी जा रही है। लेकिन जिस तरह से हमें सुबह होटल मालिकान का एक फोन मौसू हुआ तो उन्होंने यही हवाला दिया कि 20 से 30% तक जो बुकिंग सयाह ने की थी तो वो अब धीरे धीरे जो है कैंसिल होती हुई नजर आ रही है। तो हम उम्मीद करेंगे कि वादी में जो है इस कोविड से कब नजात मिले ताकि एक बार फिर जो है सयाह बुरा, क्योंकि आपको पता है इस साल जो है रिकॉर्ड तोड़ जो सयाहत यहाँ पर इजाफा हुआ था, सयाहत में इजाफा हुआ था, तो कहीं ना कहीं यहाँ के जो मकान जो बेरोजगार नौजवान या जो सयाहत से जुड़े लोग हैं कहीं ना कहीं उनके रोजगार में जो है इस साल इजाफा देखने को मिला। लेकिन कोविड की वजह से अब धीरे धीरे यही नजर आ रहा है कि सयाहत पर काले बादल जो है वो मंडराने लगे नजर आ रहा है। जी चीता बिल्कुल आदिल, और ये भी जानना चाहेंगे जिस तरह से यहाँ पर डायरेक्टर टूरिज्म की अगर बात करें उनकी तरफ से भी एक लेटर जो है डीसी को लिखा गया था कि जो भी टूरिस्ट यहाँ पर आ रहे हैं उनके लिए तमाम इंतजाम यहाँ पर किए जाए क्योंकि कोरोना का खतरा जिस तरह से बढ़ा हुआ है, उसके बाद क्या कुछ और नई अपडेट इस पर सामने आई है? बिल्कुल चीता, मैं आपको बता जिस तरह से महकमा सयाहत की पहल रही है कि हैजी फ्री जो है टूरिस्ट मूवमेंट वो वादी कश्मीर में होनी चाहिए, तो डायरेक्टर टूरिज्म की तरफ से जो है डिविजनल कमिश्नर कश्मीर को भी एक खत लिखा था और जो भी डीसीज है उनको आर्डर देने की उन्होंने इसमें लिखा था कि नहीं आर्डर दी जाए ताकि हैजी फ्री मूवमेंट रहे इन सयाह की किसी तरीके की परेशानी ना हो। लेकिन हम देख रहे हैं ग्राउंड पर जो है वो इम्प्लीमेंट हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन अब सयाह खुद जो है इस जो हम एसओपीज की बात करें इस कोविड की बात करें तो उन्हें भी चाहिए वो इसका पालन करें, या जो आम लोग उनके साथ वाबस्ता है टूरिज्म एसोसिएटेड जो पीपल है उनको भी चाहिए वो इस कोविड की महामारी जो भी एसओपीज है इनको स्ट्रिक्टली फॉलो करें, तो कहीं ना कहीं जो है इससे सयाह पर असर नहीं देखने को मिलेगा। मैं सयाहों से भी अपनी इस चैनल की भाषा से ये अपील करूंगा, जो सयाह से वाबस्ता लोग हैं उनको भी यही अपील करूंगा कि वो कोविड जो भी एसओपीज है जो भी प्रोटोकॉल है उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करें ताकि सयाह पर ज्यादा असर हमें देखने को ना मिले और सयाह आराम से इस सयाह के मुकाम का रुख करे वो इस बर्फबारी से लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। जी जी बिल्कुल, चलिए आदर
काबिल, बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से कोरोना का खतरा जो है वो लगातार यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है, इस बीच बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि तमाम गाइडलाइंस का पालन किया जा सके, क्योंकि अगर गुलमर्ग की बात करें सर्दियों के सीजन में गुलमर्ग में सबसे ज्यादा टूरिस्ट को जो है यहाँ पर देखा जाता है और यहाँ पर सबसे ज्यादा पर्यटक जो है वो यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। इस बीच जिस तरह से कोविड रिस्ट्रिक्शन जो है वो यहाँ पर वीकेंड डेज पर भी लगाई गई है, इस बीच डायरेक्ट टूरिज्म ने भी जो है डीसी को एक पत्र लिखा था और जिसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि टूरिज्म के लिहाज से भी कुछ फैसले लिए जाएं ताकि जो भी लोग यहां पर घूमने के लिए आ रहे हैं उन्हें किसी तरह की परेशानी जो है वो झेलनी ना पड़े। और इस बीच ये भी एक तरह से मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि जो लोग यहां पर घूमने के लिए आ रहे हैं वो तमाम गाइडलाइंस का पालन करें, एसओपी का पालन करें ताकि कोरोना के खतरे से बचा जा सके और लॉकडाउन जैसी स्थिति जो है वो ना बन सके, क्योंकि अगर लॉकडाउन जैसी स्थिति बनती है तो इस तरह के नजारे लेना उनके लिए भी मुश्किल हो जाएगा। चलिए न्यूज़ रूम लाइव के